इस क्वेश्चन में आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है cos 3x का, और वो भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए थोड़ी सी, आप अपने जो डेरिवेटिव निकालते थे, आप डेरिवेटिव एक्सरसाइज करते थे, वहाँ पे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करिए। या ये नॉर्मल सी बात है कि cos किसका डेरिवेटिव होता था, हमें ये जानना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सोचा करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कौन सा ऐसा फंक्शन होता था जिसका cos डेरिवेटिव होता था। तो थोड़ा सा आपको रिफ्रेश हो रहा हो मेमोरी, तो सिंपल सी बात है साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव साइन होता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे साइन सरीखा कुछ चीज़ आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। ठीक है, जो एंगल है यहाँ पे वही हम एंगल रख रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, cos हो जाएगा 3x, लेकिन फिर चेन रूल से आप 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका, d बाई डी एक्स ऑफ 3x भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ चेन रूल लगा डिफ्रेंशिएशन के लिए, cos 3x इंटू 3 हो गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि cos 3x किसका डेरिवेटिव है, तो cos 3x के साथ ये 3 आ रहा है, कांस्टेंट है, माइनस साइन है, आप उसको इधर ले आ सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें पता चल चुका है कि साइन 3x अपॉन 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो cos 3x होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी डेरिवेटिव डेफिनेशन हम क्या कहेंगे इसी चीज़ को, ये रिवर्स, एक तरह से रिवर्स मैनर में है कि cos 3x का जो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव होगा cos 3x dx, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 3x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर है लेकिन आपको बुक में ये आंसर मिलेगा। बाद में आप जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे सी भी ऐड करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, आप क्या करोगे, कॉस ऑफ मान लीजिए सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमें कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा।